Hello YouTube viewers, you are watching Rubab's Creative Hub and welcome to my channel. I hope you all are well. आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ जिसमें मैं आपको शीरखुरमा बनाना सिखाऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो आइए देखते हैं ये लजीज सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो इसके लिए जो हमें चाहिए होंगे वो छवारे चाहिए होंगे हमें 8 से 10 अदद, और इन छवारों को आपने बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना है पानी के साथ। उसके बाद हमने इसको कटिंग करनी है, सर्कल में कटिंग करनी है। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से कटिंग करते हैं, बट मैं हमेशा इसको सर्कल में कटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे सर्कल में कटिंग इसकी बहुत पसंद है। क्योंकि ये जब खाते हुए मुँह में जाते हैं, खाते हुए ये नज़र आते हैं या ये रेसिपी के अंदर नज़र आते हैं, तो ये इनकी सर्कल कटिंग बहुत अच्छी लगती है। बट इट्स अप टू यू कि अगर आप इसकी लंबाई में कटिंग करना चाहते हैं या सर्कल में कटिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप सर्कल में कटिंग करेंगे तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, वन बाय वन हर एक छुहारे की आपकी आपने कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने छुहारे को धो लेना है, और गर्म पानी में अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो आपके लिए कटिंग करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि गर्म पानी में भिगोने से छुहारा सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट छुहारा छुहारे की कटिंग करना ज़्यादा ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड। तो इसी तरह से आप लोगों ने सारी कट लेनी है। मैं तकरीबन सारे छुहारे 8 से 10 जो मेरे पास छुहारे थे मैंने उनकी कटिंग कर ली है। अब देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग लंबाई में की है और कुछ मैंने सर्कल में कटिंग की है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जैसे भी इसकी कटिंग करना चाहें, जैसे आपको पसंद हो आप इसकी कटिंग वैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो रेसिपी बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स में साबुत नारियल और किशमिश भी ली है। मैंने इसको जस्ट ऐसे ही कटिंग करके रखा है। और एज़ यू नो के शीरखुरमे में सेवैयाँ तो मस्ट होती हैं। सेवैयाँ मैंने ली हैं एक प्लेट के अंदर, और इनको बहुत अच्छे से छोटा छोटा कर लेना है, छोटा छोटा कर लेना है हाथ उंगलियों की मदद से, जैसे आप देख सकते हैं मैं वीडियो में कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने दूध रख लिया है चूल्हे पे। ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है जिसके अंदर 4 टेबल स्पून शुगर मैं ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा शुगर अच्छी लगती है इसमें, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं 4 जो है तो ग्रीन इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ, और इलायची आपने खोल के ऐड करनी है। जैसे अभी मैं आपको खोल के ऐड करके बताती हूँ कि आप कैसे इसमें खोल के इलायची ऐड करेंगे। ताकि खोल के इलायची ऐड करने से ये होता है कि उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, जी तो उसकी खुशबू इन्हांस हो जाती है। ये ऐड करने के बाद इसको हम फ्लेम पे रख लेंगे, मीडियम फ्लेम पे रख लेंगे गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए। जब इसमें बॉयल आएगा तो हम फर्दर इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, और अब मैं नेक्स्ट अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके अंदर मैंने जो सेवैयाँ ली थी उनको मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। कुछ लोग बाज़ार से बना हुआ शीरखुरमा यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। मैं अपने हाथों से इस तरीके से बनाती हूँ, हर एक चीज़ को सेपरेट सेपरेट फ्राई करके उसको फिर दूध में ऐड करती हूँ। तो इस तरह से कि मैं सबसे पहले सेवैयों को ऐड करूँगी। ऑयल थोड़ा सा डालना है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, सॉरी 1 टेबल स्पून, और उसको अच्छे से ब्राउन करना है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने सेवैयों को फ्राई करना है ताकि सेवैयाँ जले ना और जस्ट उनका कलर चेंज हो। इसी तरह से हमें फ्राई करना, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है। और जब ये जैसे जैसे ये मज़ीद फ्राई होंगे इनका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ साथ दूसरी तरफ दूध बॉयल होने के लिए मैंने रखा हुआ है, ताकि दूध भी बॉयल हो जाए और हमारी चीज़ें भी फ्राई हो जाएं, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी से निमट जाए। तो देख सकते हैं आपके कितना प्यारा कलर आ चुका है सेवैयों का। इसी तरह से हमने लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने करनी है, और साथ साथ इसको हिलाते रहना है, वरना ये सेवैयाँ जल जाएंगी। इसी तरह से साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते रहना है, सेवैयाँ जल जाएंगी और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और फिर वो इनका कलर अगर चेंज हो गया, ये ब्लैक में कन्वर्ट होगी, तो फिर वो दूध के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। देख सकते हैं कितना कलर इनका चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट ये रेडी होने वाली हैं। मैं थोड़ा सा इनको और फ्राई करूँगी, मुझे इसका कलर थोड़ा सा और डार्क चाहिए। जितना हम अच्छी चीज़ फ्राई करके डालेंगे दूध के अंदर, उतना शीरखुरमे का टेस्ट मुझे इन्हांस होगा। सो हम लोग ने ट्राई करनी है कि बहुत अच्छी सी रेसिपी बने। अब ऑलमोस्ट ये हो चुका है, और दूध भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, और उसके अंदर जो मैंने नारियल और किशमिश धो के रखी थी वो मैं दूध के अंदर ऐड कर रही हूँ। आप ये ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करना पसंद नहीं है, क्योंकि इनमें इनका कलर चेंज हो जाता है, बहुत ब्लैकिश हो जाता है। सेवैयाँ हो चुकी हैं और इनको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल के रख रही हूँ अलग से। इसके बाद हमने
सेवैयाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं और मैंने इनका एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है। अब इसके अंदर अब छुहारे के बारी है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर छुहारे डाले फ्राई करने के लिए। छुहारे जब फ्राई हो जाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और उनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, डबल हो जाता है ये टेस्ट में, खुशबू में। हमने इसको भी बिल्कुल लाइट फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये भी जले ना और इनका कलर चेंज ना हो, ब्लैक ना हो। हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है और जब इसकी खुशबू हमें बहुत अच्छी सी आने लगे, जब ये अपनी खुशबू इसकी फैलने लगे तो आप उसको सूंघ के भी देख सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं सॉरी। तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि दूध बॉयल होने वाला है और हमारी चीज़ें जो हमने फ्राई करनी थी वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। छुहारे अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं, ब्राउन की तरफ आते जा रहे हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती जा रही है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने छुहारे भी फ्राई करने हैं ताकि ये जले ना। ऑलमोस्ट छुहारे डन हो चुके हैं। छुहारे डन होने के बाद हम इनको जितनी भी फ्राई चीज़ें हैं इन सबको हमने दूध के अंदर ऐड करना है और छुहारों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे आप बाकी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बादाम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अखरोट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो जो चीज़ें इसमें डालना चाहें। देखिए आपके छुहारों ने अपना कलर चेंज कर लिया है और बहुत ही अच्छी अच्छा कलर आ गया इनका। छुहारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और अब हम इन्हें किसी बर्तन के अंदर डिश आउट कर लेंगे। बहुत प्यारा कलर आ चुका है इनका और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर वापस निकाल रही हूँ ताकि हम उसके बाद इनको दूध में ऐड कर सकें। यहाँ पर छुहारे में एक प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। निकालने के बाद मैं इनको दूध में ऐड करूँगी। छुहारे और सेवैयाँ दोनों, इन दोनों चीज़ों को मैंने दूध के अंदर ऐड करना है जो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। दोनों चीज़ों को यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे। यहाँ पे अब दूध बॉयल हो चुका है और इसके अंदर मैंने छुहारे और सेवैयाँ दोनों ऐड करनी है। छुहारे मैंने ऐड कर लिए, सेवैयाँ मैंने ऐड करनी है। अब दोनों चीज़ें सेवैयाँ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हमने हिलाना है। आप देख सकते हैं कि दूध बॉयल हो रहा है, दूध उबल रहा है, तो इसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं और दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से हिलाना है। अब इसको इसका हमने फ्लेम मीडियम कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से पके और ये जितना कम हीट पर पकेगा इसमें इतना ज़्यादा ही टेस्ट आएगा। और इसके अंदर इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब्ज इलायची मस्ट इसके अंदर जानी चाहिए, क्योंकि सब्ज इलायची की वजह से इसका इसकी खुशबू इंक्रीज़ हो जाती है, इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जब भी आप ये बनाएं तो आपके पास छुहारे होने चाहिए और किशमिश होनी चाहिए और सेवैयाँ होनी चाहिए, सब्ज इलायची होनी चाहिए। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं शीरखुरमा बनाने के। देख सकते हैं अभी इसमें बिल्कुल थिकनेस नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे कि काफ़ी थिक हो जाएगा। जब ये थिक हो जाएगा, इतना थिक हो जाएगा कि हमें फील होगा, क्योंकि जब इसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तब भी ये इसमें मज़ीद थिकनेस आती है, ठंडा होने के बाद भी इसमें मज़ीद थिकनेस आती है। हमने इसको इस पॉइंट पर उतार देना है कि जहाँ पर हमें फील हो कि इसके बाद इसमें मज़ीद थिकनेस आके ये बिल्कुल डन हो जाएगा, किसी गेस्ट को सर्व करने के लिए बिल्कुल डन हो जाएगा। तो वहाँ तक हमने इसको थिक करना है चूल्हे पे। इसको मीडियम फ्लेम पे थिक करें क्योंकि मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छा ये पकेगा। आहिस्ता आहिस्ता इसमें थिकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मुझे ये फील होगा कि अब ये ओके हो चुका है तो ये मैं इसको उतार दूँगी चूल्हे से और डिश आउट कर लूँगी। अभी आपको इसका बॉयल देख के ये फील हो रही होगी कि इसमें थिकनेस आ चुकी है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ थिक हो जाती है तो उसके अंदर इस टाइप का बॉयल आता है। अदरवाइज जब चीज़ अभी कच्ची होती है ना, तो उसके बॉयल में और पकी हुई चीज़ के बॉयल में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी, देन मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और इसके अंदर सर्कल में कटे हुए छुहारे बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, दिखने में वो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा शीरखुरमे तैयार हो चुका है और मैं अब इसको डिश आउट करने वाली हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, अब आप देख सकते हैं जब ये रूम टेम्परेचर पे इसको हम ठंडा करेंगे तो इसमें मज़ीद थिकनेस आ जाएगी। अभी जो आपको पतला लग रहा है ना, ये मज़ीद थिक हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद आफ्टर 1 to 2 hours इसकी ये लुक है और ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। मेरे पास अवेलेबल डेट्स थी, खजूरें,
तो मैं खजूरों को स्लाइसेस में कटिंग करके वो उसके साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और आप इसकी गार्निशिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। ना भी गार्निश करें तो भी कोई इतना खास इशू नहीं है, लेकिन अगर गार्निश करेंगे तो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। देख सकते हैं ये गार्निश हो के इसमें ब्लैक डेट्स का कलर और वाइट कितना अच्छा कम्बिनेशन लग रहा है और बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो आल्सो। थैंक यू सो मच।